हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन एट होम। प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। वी आर डूइंग बेटर द बिजनेस स्टडी लेसन नंबर 8, स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, हम लेसन नंबर 8 कर रहे हैं आपके सामने, द स्मॉल बिजनेसेस। ठीक है, देखिए सेकेंड टॉपिक इसमें शुरू हो चुका है बेटे, द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ईडी। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये वाला लेसन आपका शुरू होने जा रहा है अब। तो इसके लिए आपको देखिए, सबसे पहले एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है और एंटरप्राइज क्या होता है, ये देखिए। एंटरप्रेन्योर बेटे, एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो एक नया बिजनेस ओपन करने जा रहा है, नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है। सो एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु इज टेकिंग द रिस्क फॉर सेटिंग अप ए न्यू बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है बेटे, तो एंटरप्रेन्योर एक पर्सन है बेटे। सो दिस इज अ पर्सन, ठीक है, ये एक पर्सन है बेटे जो क्या करने जा रहा है, रिस्क लेने जा रहा है टू स्टार्टिंग अ बिजनेस एंटरप्राइज। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, क्या होती है, देखिए एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होती है बेटे, प्रोसेस क्रिया, ठीक है, काम है ये, वर्ब है ये आपके लिए, एक क्रिया होती है बेटे। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अप ए न्यू बिजनेस एंटरप्राइज। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब बेटे एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें एक नए बिजनेस एंटरप्राइज को स्टार्ट किया जाता है। सो इट रेफर्स टू अ प्रोसेस थ्रू विच अ न्यू बिजनेस एंटरप्राइज हैज बीन सेटअप। ठीक है बेटे, एंटरप्रेन्योरशिप होती है ये आपका। एंटरप्राइज क्या होता है, द आउटकम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, आउटकम है ये आपका, आउटकम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो जो रिजल्ट निकल कर आता है बेटा एंटरप्रेन्योरशिप का, वो आपका एंटरप्राइज कहलाता है। सो अब आपको पता लग गया होगा, एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु इज टेकिंग द रिस्क फॉर सेटिंग अप ए बिजनेस एंटरप्राइज। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस, ठीक है, इज अ प्रोसेस थ्रू विच अ बिजनेस यूनिट कैन बी सेट अप एंड एंटरप्राइज इज द आउटकम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये रिजल्ट निकल कर आया है एंटरप्रेन्योरशिप का, जो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या एंटरप्राइज है बेटे। अब देखिए एक ब्रॉड डेफिनेशन देख लेते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप की। वैसे तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप बेटे जनरल सेंस में पता होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ए न्यू बिजनेस एंटरप्राइज। अगेन देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ए न्यू बिजनेस एंटरप्राइज। ब्रॉड मीनिंग देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ सिस्टमैटिक, तो बेटे जो बिजनेस स्टार्ट होते हैं सिस्टमैटिक ढंग से, अच्छे से, व्यवस्थित तरीके से होते हैं बेटे। सो इट इज अ सिस्टमैटिक, पर्पजफुल, इसका कोई ना कोई पर्पज होता है बेटे, बिजनेस को स्टार्ट करने का कोई ना कोई पर्पज होता है। एंड क्रिएटिव एक्टिविटी, और एक न्यू क्रिएटिंग एक्टिविटी होती है, विच इन द फेस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बेटे बिजनेस तो रिस्क और अनसर्टेनिटी से भरा होता है, इसमें जोखिम भी होता है और अनिश्चितताएं भी होती है। ऑफ अ बिजनेस मैनेजर्स टू प्रोवाइड वैल्यू टू द बायर, जो खरीदने वाला बेटे, जो प्रोडक्ट को खरीदने वाला होता है, हमें उसकी वैल्यू प्रोवाइड करनी है बायर को, बायर को ऐसा लगे हमें प्रोडक्ट में दम है, ठीक है, जो मैंने रुपए पे किए हैं उसमें दम है। कंसिडरेशन टू इन्वेस्टर, बेटे इन्वेस्टर्स के लिए कंसिडरेशन होनी चाहिए भाई, इन्वेस्टर जो रुपया लगाते हैं उन्हें प्रॉफिट मिलना चाहिए। एंड प्रॉफिट टू द एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉफिट मिलना चाहिए बाय फाइंडिंग आउट नीड्स, यूटिलाइजिंग द रिसोर्स एंड अरेंजिंग फॉर प्रोडक्शन। बेटे तो ये हो गई इसकी एक ब्रॉड मीनिंग बेटे, ठीक है। सो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक होती है, पर्पजफुल होती है। एंड क्रिएटिव एक्टिविटी बेटे, एक नया आइडिया आपके माइंड में आता है बेटे, ठीक है, जिसमें आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, विच इन द फेस ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बेटे रिस्क तो होता ही है बिजनेस स्टार्ट करने में, ठीक है। ऑफ अ बिजनेस मैनेजर्स टू प्रोवाइड वैल्यूज टू द बायर, ये बेटे अपने बायर्स को वैल्यूज प्रोवाइड कराकर देते हैं। कंसिडरेशन टू इन्वेस्टर, अपने इन्वेस्टर को कंसिडरेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड प्रॉफिट टू द एंटरप्रेन्योरशिप, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट प्रोवाइड कराकर देते हैं बाय फाइंडिंग आउट नीड्स, यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज एंड अरेंजिंग फॉर प्रोडक्शन। ठीक है बेटे, तो ये था आपका एंटरप्रेन्योरशिप। ये अब हम फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ लेते हैं बेटे। मैंने अभी अभी आपको बताया व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप, इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग द रिस्क एंड सेटिंग अप अ बिजनेस एंटरप्राइज। तो एंटरप्रेन्योरशिप में बेटे रिस्क होता है और हम बिजनेस को सेटअप करते हैं। इसके देखिए कुछ फीचर, सबसे पहले सिस्टमैटिक एक्टिविटी बेटे। सिस्टमैटिक कोई भी चीज वो चीज होती है जो स्टेप्स वाइज चलते हैं बेटे, स्टेप टू स्टेप जो हम फॉलो करके चलते हैं, स्टेप टू स्टेप। तो जो
एंटरप्रेन्योरशिप है ये भी एक सिस्टमेटिक एक्टिविटी होती है, कोई स्पॉन्टेनियस एक्टिविटीज नहीं है जो एक बार सिंगल एक्ट में आपका कंप्लीट हो जाए। तो स्टेप बाय स्टेप हमें प्रोसेस पूरा करना चाहता है बेटे। पहले माइंड में आइडिया आता है किसी पर्सन के, आइडिया आने के बाद फिर वो बेटे अपने रिसोर्स ढूंढता है, ठीक है, रिसोर्स ढूंढने के बाद बेटे फिर रिस्क लेता है और बिजनेस एंटरप्राइज को सेटअप करता है। तो ये एक स्टेप टू बाय स्टेप चलती है बेटे एक्टिविटीज, ठीक है। इसके लिए आपको बेटे कंप्लीट नॉलेज होना बड़ा जरूरी होता है, वो भी डिसिप्लिन मैनर में। कंप्लीट नॉलेज होगी तभी आप इसे एस्टेब्लिश कर सकते हो, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन भी आपको कराना पड़ता है। दिस स्पेशल नॉलेज कैन बी अक्वायर्ड थ्रू एजुकेशन ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, और इसके लिए स्पेशल नॉलेज बेटे आप एजुकेशन ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस से ले सकते हो। तो कहने का मतलब बेटे कि एंटरप्रेन्योरशिप एक सिस्टमैटिक एक्टिविटीज होती है, व्यवस्थित होती है, जो स्टेप बाय स्टेप चलती रहती है। सेकंड देखिए, लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी। लॉफुल यानी कि लीगल बेटे, लीगल यानी कि इन द आईज ऑफ लॉ, इन द आईज ऑफ लॉ कानून की नजरों में वो लीगल होना चाहिए बेटे। एक इलीगल एक्टिविटीज कभी भी एंटरप्रेन्योरशिप का निर्माण नहीं करती। और सेकंड है पर्पसफुल यानी कि बेटे ऑब्जेक्टिव या एम, ठीक है, एम होना चाहिए इसका बेटे। जैसे कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट भाई प्रोवाइड करा के हमें देना है, कस्टमर्स की नीड्स को पूरा करना है बेटे, हाई प्रॉफिट अर्न। देखिए सबके ऑब्जेक्टिव अलग अलग होते हैं, ठीक है, उद्देश्य अलग होते हैं बेटा। एंटरप्रेन्योरशिप खुद के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करता है भाई कि मुझे हाई प्रॉफिट कमाना है, कंज्यूमर के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि मुझे कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करा के देने हैं, इन्वेस्टर्स को सेट करना है बेटे कि उन्हें अच्छा रिटर्न और अच्छा प्रॉफिट प्रोवाइड करा कर देना है। तो बेटा एंटरप्रेन्योरशिप एक लॉफुल एंड पर्पसफुल एक्टिविटी होती है, ये कंप्लीट लीगल एक्टिविटी होती है, इलीगल नहीं होती। और साथ ही साथ इसका पर्पस बेटे, इसके जो वेरियस स्टेक होल्डर होते हैं उन्हें उनका प्रॉफिट प्रोवाइड कराना होता है। आगे देखिए इनोवेशन, इनोवेशन यानी न्यू आइडियाज, ठीक है, न्यू आइडियाज, नए नए तरीके, नए नए मेथड्स ढूंढना, नई नई टेक्निक्स वगैरह ढूंढना बेटे। तो इनोवेशन का मतलब होता है न्यू आइडियाज, न्यू टेक्नोलॉजी से काम करना। सो इनोवेशन मींस डूइंग समथिंग न्यू, कुछ नया करना बेटे। अंडर एंटरप्रेन्योरशिप न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मोड्स ऑफ प्रोडक्शन आर क्रिएटेड बेटे, प्रोडक्शन के नए नए कॉम्बिनेशन, नए नए परम्यूटेशन, नए नए कॉम्बिनेशन बेटे फाइंड आउट किए जाते हैं, ठीक है। एन एंटरप्रेन्योर परफॉर्म ही जॉब इन अ न्यू एंड इम्प्रूव्ड वे सो दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रिड्यूस बेटे। एवरी टाइम जब भी आप कोई नया तरीका, नया मेथड ढूंढते हो बेटे, टेक्निक का कोई न्यू मेथड फाइंड आउट करते हो, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो डाउन चली जाती है। तो इनोवेशन में बेटे यही कोशिश करता है एंटरप्रेन्योर कि वो कुछ नया करे, समथिंग न्यू लेकर आए बेटे, इनोवेशन करे बेटे, कुछ नया लेकर आए, कुछ नई टेक्निक से वो काम करे, जिससे कि जो ओल्ड मेथड है बेटे उससे कम कॉस्ट में आपका प्रोडक्शन हो जाए, ठीक है। एन एंटरप्रेन्योर एंटर द मार्केट विद अ न्यू टेक्निक, न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू रॉ मटेरियल बेटे। तो नए रॉ मटेरियल, नए टेक्निक, नए प्रोडक्ट बेटे, ठीक है, नए मेथड से एंट्री करता है। ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ इनोवेशन, ठीक है, इनोवेशन के सारे एग्जांपल है। आगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन बेटे, तो प्रोडक्शन के लिए आपको अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन व्यवस्थित तरीके से करना होता है। तो अंडर एंटरप्रेन्योरशिप न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन हैज बीन फाइंडिंग आउट बेटे, ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप में हम न्यू मेथड, कोई नए मेथड ढूंढते हैं बेटे प्रोडक्शन के, जो कि बेटे एकदम सटीक होता है, लेस कॉस्ट सेविंग होता है, जिसमें कॉस्ट आपकी कम से कम लगे, टेक्नोलॉजी नई आपकी हो, ठीक है, ये सारे मेथड वो ढूंढता है, ठीक है। When an entrepreneur gets information about needs, sources of production, their availability and show better utilization बेटे, तो आपको नीड देखनी है, ठीक है, प्रोडक्शन के सोर्स कहाँ से आएंगे, कहाँ से आप बेटे उनका अरेंजमेंट करोगे, देयर अवेलेबिलिटी वो कहाँ अवेलेबल होंगे, अनश्योर बेटर यूटिलाइजेशन, और उनका बेटे परफेक्ट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी होना चाहिए, रिसोर्स वेस्ट नहीं होनी चाहिए बेटे, ठीक है, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, सारे काम आपके ढंग से होने चाहिए, यानी प्रोडक्शन जो है आपको व्यवस्थित तरीके से, वेल ऑर्गेनाइज तरीके से करना है। लास्ट रिस्क टेकिंग बेटे, तो एंटरप्रेन्योरशिप में डेफिनेटली हर कोई रिस्क लेता है बेटे, जोखिम उठाता है, जोखिम से ही तो आपको बेटे प्रॉफिट मिलता है। हाई रिस्क हाई रिटर्न बेटे, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ जो होता है दोनों में बेटे हाई रिस्क होता है, बिना रिस्क के तो कोई काम होता ही नहीं है, ठीक है। शुरुआती दौर में तो बेटे नया बिजनेस सेटअप होता है, उन्हें बेटे कॉस्ट अपनी जेब से ही इनकर करनी पड़ती है, काफी कॉस्ट आपकी लग जाते बेटे, ठीक है, नए बिजनेस के अंदर। तो कहने का मतलब है भाई रिस्क बहुत ज्यादा होता है इसके अंदर, और रिस्क आपको लेना ही पड़ता है। फॉर एग्जांपल देखिए, एन एंटरप्रेन्योर अनश्योर्स द सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल,
ठीक है, एंड एंटर इनटू सम कॉन्ट्रैक्ट, बट इफ इट्स पेमेंट इज डिले, ठीक है, तो बेटे अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं इसकी सप्लाई करूंगा और अगर वो बेटे डिले हो जाए सम रीजन से, तो हो सकता है सामने वाला आपको आपकी पेमेंट ना करे। तो इस तरह से बेटे रिस्क अराइज हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस होती है, और उस पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस को आप रूल्ड आउट नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। लॉस आपको कभी भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट में जोखिम होता है बेटे, फ्यूचर अनसर्टेन होता है, कभी भी आपको रिस्क लेकर जोखिम उठाना पड़ सकता है। ऑल्दो एवरी एंटरप्रेन्योर मैनेजेस हिज एक्टिविटी बाय प्रॉपरली, तो एवरी एंटरप्रेन्योर बेटे अपनी एक्टिविटीज को प्रॉपरली करता है, अच्छे ढंग से करता है, ठीक है, बट स्टिल द प्रेजेंस ऑफ रिस्क कंटिन्यू, और बेटे रिस्क तो प्रेजेंस रहता है, उसे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं बट एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो एक एंटरप्रेन्योर बेटे रिस्क लेता है, और कहीं भी वो रिस्क अराइज हो सकता है, मार्केट की अनसर्टेनिटीज में कहीं भी ये रिस्क अराइज हो सकता है बेटे। देखिए बेटे, व्हाट इज द नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, अब ये जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है बेटे, इसकी क्या आवश्यकता पड़ती है, क्यों जरूरी होता है। सबसे पहले देखिए, इनिशिएटिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट बेटे, तो जो डेवलपिंग कंट्री होती है, हमारा भारत देश जो विकासशील देश है बेटे, तो विकासशील देशों को अगर आगे डेवलपमेंट के पथ पर चलना है, डेवलपमेंट के मार्ग पर आगे बढ़ना है बेटे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस एंटरप्राइज ओपन करने पड़ेंगे, ताकि हम डेवलपमेंट की तरफ जा सके बेटे, और जो बैकवर्डनेस है हमारे देश के अंदर उसे हम पीछे छोड़ सके। तो इसीलिए बेटे डेवलपमेंट की नीड होती है आपको। एंटरप्रेन्योरशिप रिजल्ट इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेसेस बेटे, एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर नए नए बिजनेस ओपन किए जाते हैं, जिससे बहुत से लोगों को काम मिलता है बेटे, ठीक है, इनकम जनरेट होती है, डेवलपमेंट होती है आपकी, और जो एक विकासशील देश होता है इंडिया की तरह, वो बेटे विकसित देश की तरफ अग्रसर हो जाता है, डेवलपमेंट कंट्री की तरफ अग्रसर हो जाता है बेटे। तो इससे कंट्री की डेवलपमेंट होती है, इसीलिए इसकी आवश्यकता होती है। नीड का मतलब समझते हो ना बेटे, आवश्यकता की, क्या आवश्यकता है एंटरप्रेन्योरशिप की, तो बेटे बहुत आवश्यक है, ताकि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो लगातार चलता रहे। सेकेंड है सस्टेनिंग द डेवलपमेंट, एक चीज होती है बेटे सस्टेन करना, लगातार बनाए रखना। तो जो ऑलरेडी डेवलप कंट्री होती है, अब अमेरिका जैसा जो देश है बेटे, उसे अपनी डेवलपमेंट को कंटिन्यू रखने की जरूरत है, कैसे रखेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू रखेंगे बेटे। ये नहीं कि आप एक बार डेवलप नेशन बन गए, विकसित देश बन गए बेटे, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप को रोक दे, नई नई टेक्निक को रोक दे बेटे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आप डेवलप कंट्री हो, तो आपको अपनी रेपुटेशन बनाए रखने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप को लगातार बढ़ावा देना पड़ता है, ताकि नए नए मेथड आए, नए नए टेक्निक्स आए बेटे, ठीक है, आप इंप्रूव्ड वे से, अच्छे कॉस्ट सेविंग मेथड से काम करना शुरू करो बेटे। तो ऑलरेडी डेवलप कंट्री के लिए, अपनी डेवलपमेंट को बनाए रखने के लिए, सस्टेन रखने के लिए बेटे, क्या किसकी जरूरत पड़ती है, एंटरप्रेन्योरशिप की। दिस इज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ये केवल एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए ही पॉसिबल है। और थर्ड बेटे प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एंटरप्रेन्योरशिप में नए नए बिजनेस खुलते बेटे, ठीक है, प्रोडक्शन होता है, फैक्ट्रीज लगती है बेटे अंडर वन रूफ, ठीक है, नए नए कार स्टार्ट होते बेटे, ठीक है, बहुत से लोगों को काम मिलता है, पढ़े लिखे लोगों को काम मिलता है बेटे, इंजीनियर्स को काम मिलता है, डॉक्टर्स को काम मिलता है, डिस्पेंसरीज वगैरह ओपन कर दे। तो कहने का सिंपल मतलब बेटे, जब भी नए बिजनेसेस लगते हैं, तो इसमें बहुत से लोगों को काम मिलता है, बहुत से लोगों को वर्क मिलता है, ठीक है बेटे। और अगर ये एंटरप्रेन्योरशिप ना हो बेटे, तो जो लोग हैं वो खाली पड़े रहेंगे, एग्रीकल्चर में ही काम करते रहेंगे, सबसिस्टेंस सेक्टर में ही काम करते रहेंगे, जिससे कि बेटे देश जो है उसकी डेवलपमेंट रुक जाएगी, ठीक है, विकासशील देश वो बन जाएगा बेटे। तो आपको अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है बेटे। और एम्प्लॉयमेंट कब क्रिएट होता है, जब आप ज्यादा से ज्यादा बेटे बिजनेसेस ओपन करो। अमेरिका में देखिए सबसे ज्यादा बिजनेसेस वहां पर है बेटे, सबसे ज्यादा इनोवेशन टेक्नोलॉजीज वगैरह वहां विकसित होते बेटे, और सबसे ज्यादा कैपिटलिस्ट कंट्री भी वही है भाई, ठीक है। तो इसीलिए वहां बेटे काम की तो कमी है ही नहीं, वहां लोगों की कमी है, वहां काम करने वालों की कमी है, बट काम की कमी नहीं है बेटे, ठीक है। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप होते बेटे, वो बहुत से लोगों को, मैनी पीपल्स को वर्क प्रोवाइड कराते, इसीलिए बेटे एंटरप्रेन्योरशिप बहुत जरूरी होती है। ओके बेटे, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक है आपका द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बेटे, ठीक है। अब देखिए एंटरप्रेन्योरशिप कोई वन टाइम एक्टिविटीज तो है नहीं बेटे, ये सिस्टमैटिक एक्टिविटीज चलती है, जो आपके करनी पड़ते बेटे, ठीक है। सो इट इज नॉट अ ऑटोमेटिकली एक्टिविटीज बेटे, ये कोई ऑटोमेटिकली अपने आप होने वाली एक्टिविटीज नहीं बेटे, इसमें रोल ऑफ एनवायरमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बेटे, इंडिविजुअल फैक्टर, इंडिविजुअल एबिलिटी भी बहुत महत्वपूर्ण होते बेटे, जो एनवायरमेंट होता है आपके आसपास का बेटे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है बेटे एंटरप्रेन्योरशिप यानी बिजनेस स्टार्ट करने। जबकि
आपके अंदर की जो इंडिविजुअल एक्टिविटीज होते बेटे वो भी बड़ी जरूरी होती है, क्योंकि एक पर्सन में जब तक रिस्क लेने की क्वालिटीज एबिलिटीज नहीं होगी बेटे तब तक आप एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट नहीं कर सकते। तो प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आपको देखना है बेटे कि वहाँ एनवायरमेंट फैक्टर कौन कौन से रोल प्ले करते हैं, उसमें इंडिविजुअल के अपने खुद की कौन कौन सी योग्यताएं कौन कौन सी क्वालिटी होती है जिसके बेस पर हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बेटे, ठीक है। तो दोनों ही फैक्टर यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एनवायरमेंट भी और साथ ही साथ इंडिविजुअल फैक्टर भी। अब रोल ऑफ एनवायरमेंट एक बार देख लीजिए बेटे, इंडिविजुअल फैक्टर के जो रोल है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इकोनॉमिक सिस्टम आपका किस तरह का बेटे, तीन तरह के सिस्टम होते हैं, मिक्स सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है, और सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो भारत का सिस्टम मिक्स्ड इकोनॉमी बेटे, और मिक्स्ड इकोनॉमी में आपको पता है कि बहुत ज्यादा करप्शन प्रिवेल होता है बेटे, आपको बिजनेस स्टार्ट कराने के लिए बहुत सारे रिश्वतें वगैरह देनी पड़ती है तब जाके आपका काम बनता है। स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर बेटे, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, पावर, ये सब चीजें आती है। रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटे, जो बैंक लोन वगैरह आपको प्रोवाइड कराता है एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के लिए आपको बेटे फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटे तो इजीली आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटे तो कई लोग थे उसके इंटरेस्ट के दबाव से डर कर ही, उसके इंटरेस्ट उसके ब्याज के दबाव से डर कर ही बेटे एंड बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते। रिड्यूस टैक्सेशन बेटे, कॉर्पोरेशन टैक्स अगर कम हो, जैसे अभी अभी ऐतिहासिक फॉर्मूला लिया भारत ने पिछले साल, ठीक है, 35% कॉर्पोरेशन टैक्स से 25% टैक्स कर दिया बेटे, तो ये काफी एक अच्छा डिसीजन लिया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एंकरेज हो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बेटे, तो टैक्सेशन आपका कम होना चाहिए। मॉडरेट इन्फ्लेशन, ज्यादा महंगाई दर ऊपर नहीं होनी चाहिए बेटे, महंगाई ज्यादा होगी तो लोग आपके प्रोडक्ट को खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि जब भी महंगाई दर बढ़ते बेटे तो लोगों की जो परचेजिंग पावर होती है वो रिड्यूस्ड हो जाती है बेटे, ठीक है। कैपिटल आपके इकोनॉमी के अंदर अच्छी होनी चाहिए बेटे, कैपिटल आपके यहाँ अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। और लास्ट बेटे अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स, जैसे इंडिया में बेटे बहुत पावर होती है, लेबर पावर बहुत ज़्यादा, लेबर बहुत सारे, चाइना में बहुत सारे, लेकिन अमेरिका में लेबर कम होते बेटे। तो लास्ट में इन्होंने कहा अवेलेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल ऑप्टिंग फॉर एंटरप्रेन्योरशिप कैरियर, और बेटे ऐसे लोग भी होने चाहिए जो एंटरप्रेन्योरशिप कैरियर में अपना कैरियर बनाना चाहते हो, एंटरप्रेन्योरशिप में बेटे बिजनेस स्टार्ट करके काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हो, ठीक है बेटे, थैंक यू।